फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ विंध्यवासिनी। देखिए, जैसे कि जितने लोगों ने ये बताई ना आपको, करिश्मा परी, हाजी मस्तान जी, सब जो भी सिद्ध करवाया, उन सबको बहुत बहुत फ़ायदा हुआ। 15 तारीख को उनके घर पे जो पैसे पहुंचने वाले वो पहुंच जाएगा, और भी लोगों ने, कम से कम और 100 लोगों ने चालू कराया, उन सभी को मुबारक हो। उन सभी को 15 तारीख को उनकी अमानत बाकायदा उनके घर पहुँच जाएगी। बस फिर से याद दिलाओ, कितने लोगों ने शायद अपना एड्रेस दिया है, एड्रेस भी दे दीजिए, प्रॉपर एड्रेस दीजिएगा, क्योंकि हमारे बंदे वहाँ पहुँचेंगे 15 तारीख को, तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो और 2020 की हार्दिक शुभकामनाएं। अब किसी को जो भी सिद्धि चाहिए, अब होली में ट्राई कीजिएगा, क्योंकि कल बहुत लोगों ने मुझे बहुत ट्रीट किया, बहुत उल्टावला, मतलब तमीज़ नहीं है बात करने की। मतलब इंसान आपसे अच्छे से बात कर रहा है तो उसकी तमीज़ नहीं है, क्या से क्या बना दे रहे यार, आप विद्या देवी हो ना, आप अघोरी हो ना। अरे मैं विद्या देवी अघोरी हूँ, मैं कच्चा खा जाऊँगी, मेरी शक्ल पे मत जाओ, अंदर से डाइन हूँ मैं, तो मेरे दिमाग पे मत लगो, और जो छिछोरापन है अपने तक रखो, तो पता चल जाएगा। जितने लोगों ने मुझसे गलत बात की है और जितने लोगों ने मजाक उड़ाया है, एक एक जन तो क्या बोलते हैं, मानो मैडम 1100 रुपये दूँ क्या, काम होने, मतलब तू मुझे 1100 दे रहे हो, मुझे क्या बोलते हैं, जो मैं उनको 20-25 लाख देने वाली, उसमें से मुझे पैसा देंगे, मतलब मेरे से भीख लेके मुझे पैसे देने वाले हैं, मतलब बेशर्मी की एक हद होती है। उन सबको बराबर करने वाली हूँ, 72 घंटे रुको बस, क्योंकि मैं उन पंडितों में से नहीं हूँ माफ़ करने वालों में से, मैं उनकी बैंड बजाने वालों में से, तो वेट एंड वॉच। 72 घंटे में जो तुम्हारे घर पे होने वाला है, उसका नतीजा तुम खुद, उसके भोगीदार तुम खुद होगे, क्योंकि तुम लोगों ने औरतों की इज्जत करना भूल गए हो। काहे के लिए देवी की पूजा करते हो घर में, मंदिर में फ़ोटो, क्या खुद की औरत की इज्जत करते हो कि नहीं, कि रात को सोने के लिए रखा है औरतों को, ये पहले औरतों की इज्जत करना सीखो फिर। और ऐसे कोई पंडित आके बैठी है उसका सब फालतू, एक दिन क्या बोलते, आप अघोरी हो ना, आप करती क्या हो, कुछ और करती हो तो बताओ, क्यों भड़वे तेरे को, माधरचो तेरे को क्या लगता है, क्या करती हो रे माधरचो, तेरी माँ बहन को भेजता है क्या 10 के साथ सोने के लिए, जो मुझे पूछ रहा है। दोबारा तमीज़ से बात करना, मैं जितनी सीधी हूँ उतनी ही बहुत टेढ़ी हूँ। लोगों ने मुझे बोला था मैडम गाली मत दो, तो सॉरी मेरे भाइयों, ये गाली के भूत है, चप्पल के भूत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इनको चप्पल से, लातों से, जूतों से, घूसों से मानेंगे तो ही सुनेंगे। और मेरा एक एटीट्यूड है भाई, मैं आदमी लोगों से ऐसा जीना पसंद करती हूँ, मुझे गाली गलौज ये सब करना ही पसंद है, मैं घर की बैठी दुल्हन के जैसे नहीं रह सकती, सॉरी। मुझे अपने पूजे पाठ से आप सबको संभालना है, तो झांसी की रानी बन के रहूँगी तो ही ठीक है। और ऐसे भी आपको पता है ना, मेरी माँ बगलामुखी का मंदिर कहाँ है, दतिया, झांसी शहर में, तो भूल गए ना, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, तो भाई मैं भी उनकी बेटी हूँ, तो झांसी का रूप नहीं ले सकती, लेकिन थोड़ा सा रूप तो ले सकती हूँ। माँ काली का रूप लेके तुम सबको खा तो सकती हो, तो मज़ा देखो, जब मैं खाऊँगी तो मुझे भी टेस्ट आएगा, और तुम्हारा क्या होगा वो तुम देख लेना। जय माँ बगलामुखी, जय माँ विंध्यवासिनी।